कोशिश रहती है कि हमेशा कुछ नई से नई रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करती रहूं। तो इसी आशा के साथ फिर से हाजिर हूँ एक नई रेसिपी के साथ आप लोगों के पास। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप लोगों को मेरी चैनल ज्योतिदास वर्ल्ड में। तो आज हम बनाने जा रहे हैं पत्ते की चटनी। ये जो चटनी है आप इसे चावल के साथ खा सकते हैं, बहुत ही लाजवाब लगती है। तो आप लोग ज़रूर ये वाली रेसिपी को एक बार ट्राई कीजिएगा, आशा करती हूँ आप लोगों को बहुत पसंद आएगी। तो उसके लिए वीडियो के अंत तक बने रहना है और देखना है कि ये जो पत्ते की चटनी है हम कैसे बनाते हैं। तो यहाँ पर तो मैंने लिया है ये कद्दू के पत्ते। तो कद्दू के पत्ते को मैंने ऑलरेडी पानी से साफ करके धोकर छन्नी से छान के रख लिए थे। तो अब हम अपने हाथों से इस तरह से तोड़ मरोड़ कर इसे कट कर लेंगे। और कुछ पत्तों में रेशिया हो सकती है तो आप रेशियों को इस तरह से साफ कर लें। कद्दू के जो पत्ते हैं हमें बहुत ही सॉफ्ट वाले पत्ते लेने हैं, जो नए नए निकलते हैं सॉफ्ट, वो वाले पत्ते। तो पत्ते तैयार है, यहाँ पर लिया है लहसुन की कलियाँ, हरी मिर्ची। हरी मिर्ची जो है आप अपनी तीखा जितना पसंद है तो उसी के हिसाब से मिर्ची आप ऐड कर सकते हैं। साथ में यहाँ पर रखा है मैंने एक चम्मच कलौंजी। तो अब तेल, सरसों का तेल यहाँ पर हमने ऐड किया है 2 छोटे चम्मच। तो तेल को गर्म होने देते हैं और तेल गर्म होते ही इसमें हम ऐड कर देंगे कलौंजी। और इसके बाद एक एक करके लहसुन की कलियाँ और हरी मिर्ची को भी ऐड करेंगे। और थोड़ा टाइम इसे इसी तरह से चलाते रहेंगे लगभग 1 मिनट तक। और 1 मिनट के बाद इसमें हम पत्ते भी ऐड कर देंगे। और ध्यान रहे दोस्तों, जब आप ये वाली रेसिपी को बनाइए तो गैस पे फ्लेम को एकदम से लो में रखते हुए आपको इसे कुक करना है। तो अब पत्ते को ऐड करने के बाद पत्ते के साथ इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और इसे 2 से 3 मिनट लगातार हम इसी तरह से इसे पकाएंगे। तो 2 से 3 मिनट इसे इस तरह से पकाने के बाद आप देख सकते हैं कि कितने थोड़े हो चुके हैं। तो आपको एक बात और ध्यान रखनी है, जब आप इसमें नमक ऐड कीजिएगा तो नमक आपको बहुत ही सावधानी से ऐड करना है, क्योंकि ये पककर तो थोड़े हो जाएंगे, तो इसीलिए नमक को बहुत सावधानी से आप ऐड कीजिए। तो नमक को ऐड करने के बाद फिर से नमक के साथ अच्छे से मिक्स करके इसे हमें और 2 मिनट इसी तरह से पकाना है। और 2 मिनट इसे कुक करने के बाद हमें गैस को कर देना है ऑफ। और जब तक ये ठंडा ना हो जाए तब तक हम इसे ऐसे ही तवे में छोड़ देंगे। और जैसे ये ठंडा हो जाए इसके बाद हम इसे पीस लेंगे। तो आप चाहे तो आप इसे सिलबट्टा में भी पीस कर बना सकते या फिर मिक्सिंग जार में। तो मैं सिलबट्टा में नहीं पीस रही हूँ, मैं मिक्सिंग जार का ही यूज़ कर रही हूँ। तो वैसे भी कोई भी चटनी हो सिलबट्टा में पीस कर बनाने से वो ज़्यादा स्वादिष्ट बनती है। तो अब हम इसे मिक्सिंग जार में ऐड कर रहे हैं। अब हम इसमें ऐड कर देंगे थोड़ा सा पानी, ज़्यादा नहीं, ताकि अच्छे से पीसे यानी कि अच्छे से पेस्ट बन जाए। इसीलिए तो हम चम्मच की मदद से 3 चम्मच लगभग जितना मैंने यहाँ पर पानी ऐड किया है। और अब हम इसे चलिए पीस लेते हैं। तो ये पीस चुका है, तो अब चलिए ढक्कन खोल लेते हैं और चेक कर लेते हैं। तो ये जो कद्दू के पत्ते की चटनी है ये तैयार है। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा
और अपने दोस्तों के साथ, अपने परिजनों के साथ प्लीज़ शेयर कर दीजिए। और एक दो बात दोस्तों, अब अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन को भी प्रेस करके रखिए ताकि आप लोगों को मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो मिलते हैं फिर से नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए नमस्ते।